नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। एक तरफ कोटेदार से जनपद की गरीब जनता त्रस्त है, वहीं विभाग के अधिकारी जांच के नाम पर कोरम पूरा कर रहे हैं। ताजा मामला अतरौलिया ब्लॉक के पेड़रा भुड़कुड़ा गाँव का है, जहाँ ग्रामीण जनता पहले कोटेदार से पीड़ित थी, अब सप्लाई इंस्पेक्टर और एआरओ से पीड़ित होकर जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर प्रदर्शन किया और कोटेदार के साथ ही दोनों अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का आरोप है कि उनके गांव में 18 मार्च को जांच करनी थी। पूरा गांव पूरे दिन सप्लाई इंस्पेक्टर और एआरओ को इंतजार करता रहा, लेकिन वे नहीं पहुंचे, जिसके बाद ग्रामीण अपने अपने घर चले गए। इसी बीच करीब 3:30 बजे कोटेदार लाल बिहारी ने सप्लाई इंस्पेक्टर विकास सिंह और एआरओ को बुलाकर अपने पड़ोसी के घर जांच करवाने लगा। इसकी सूचना के बाद मौके पर जब ग्रामीण शोर मचाते हुए पहुंचे तो दोनों अधिकारी ग्रामीणों के आक्रोश को देखकर फरार हो गए। ग्रामीणों का आरोप है कि दोनों अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से जांच कर दोनों अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हार्डवेयर की दुकान बढ़िया में जो हमारे घर से कम ग्राम पंचायत पेड़ा से 3 से 5 किलोमीटर के बीच में पड़ती है। दादर से 5 किलोमीटर पड़ जाएगी और पेड़ा भुड़कुड़ा से 3 किलोमीटर दूर पड़ेगी। वहाँ ये अंगूठा लगवाने के लिए बोलाते हैं। गांव की जनता जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति जागरूक हो, पढ़ा लिखा शिक्षित हो। अंगूठा लगा दिए तो तुम्हारा नहीं लगा, तुम घर चले जाओ। सूट नहीं कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है, कुछ नहीं करता। अब अगले महीना माना तब बताएंगे इस महीने का तुम्हारा राशन नहीं उठ पाया। अब राशन कहाँ चला जाता है? अब वो क्या जानते हैं कि हमारा फीड हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ, उठा लगा कि नहीं लगा, ये इनकी प्रक्रिया। अब ये जनता है, जनता का मैं सेवक हूँ, जनता मेरे लिए सर्वर है, चाहे वो कोई भी जनप्रतिनिधि छोटा हो बड़ा हो। जनता का दुख दर्द जो होता है जनप्रतिनिधियों के लिए सबसे बड़ा दुख होता है। ये अगर अन्यायी हैं, आप इनका बयान लीजिए, डीएम साहब से कहेंगे आप इनका बयान ले लीजिए। आप वहाँ के गहराई आरओ को और सप्लाई इंस्पेक्टर भेजने की जरूरत नहीं है, तो खुद आए। अगर ये गलत हैं, वो गलत हैं अपने उत्वा से, तो उनको तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया। यही परेशान है कोटेदार के लिए, राशन नहीं मिलता, गाड़ी गलौज होती है, तमाम समस्याएं हैं। सबसे औरतों से पूछ लीजिए कोटेदार क्या कर रहा है। अपने कोटेदार वही कर रहे हैं, अगर करते नहीं तो जनता कहाँ यहाँ आजमगढ़ आती। मनमानी कर रहे हैं, गाली गलौज देते हैं। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।